हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में बाय द वे दिस इज लाइव क्लास सो आई एम हैविंग माय स्टूडेंट्स अलोंग विद मी एज वेल सो इसके आज के इस वीडियो में आई टीचिंग यू वन ऑफ माय स्पेशल जीरो लॉस स्ट्रेटजी व्हिच आई डिप्लॉय मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी टाइम मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ दिस स्ट्रैटी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन सेलिंग ठीक है एंड डेफिनेटली uh, uh, सी बात है कि इसके अंदर हैजिंग होगी नाउिंग जैसा कि मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बताया है कि जो हैजिंग है जरूरी नहीं कि इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर तो आप पहले सेल करें एंड देन बाय करें हैजिंग करने के लिए हैजिंग इज बेसिकली अ काउंटर पोजिशन दैट यू टेक कोई भी काउंटर पोजिशन हो सकती है दैट यू टेक इन योर स्प्रेड और इन योर ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग व्हाट इट इज यूर डूइंग वो या तो बाइंग से भी हो सकती है या फिर सेलिंग से भी हो सकती है ठीक है काउंटर पोजिशन कैन बी थ्रू एनीथिंग इफ यू आर सेलिंग सो काउंटर पोजिशन कैन बी डन बाय बाय बाइंग बाइंग इफ यू आर सो काउंटर सेलिंग सेलिंग कैन बी डन एज वेल द आइडिया ऑफ हेजिंग इज टू लिमिट योर लॉस एंड इफ यू आर लिमिटिंग योर लॉस जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रॉफिट होगा दैट विल ऑल्सो गेट लिमिटेड ठीक है सो विद दिस एज बेसिस आई विल स्टार्ट माई स्ट्रैटी विच आई Do more often, and it is I it is a zero loss strategy. Once we go for the strategy, then you will realize why I tell this uh ki, ye zero loss strategy. Okay. And uh, before I begin this video, I request key watch this video ko pura last tak And if you really liked it, please like, share, and comment uh, on this uh, video and uh, and do let me know ki what all kind of videos you want to see. Okay, so we I am seeing Nifty as of now, which is presently at twenty two thousand five hundred level. So, the present scenario is, okay. You can be bullish also. You can be bearish also. So, we will start taking two considerations. Bull consideration, okay. Now the consideration is bull. What are you expecting? You are expecting that market is expected to go up. This is what your consideration. Whenever you enter in a market.

It's being thinking about by option sellers only give I neutral riga to option selling my premium decag and i will make a profit and pocket the profit so whenever you come in the market 99% of the traders you either buy a call or buy a put if you are buying a call it means you are taking a bull consideration if you are buying a put it means you are taking a bear consideration so these are the two considerations that any person who enters in the market is having Ya to market up or yeah market neutral consideration 99% of the people does not have आई विल जस्ट रिमूव इट ठीक है आई विल ब्रिंग इट आई विल ब्रिंग इट आफ्टर बिकॉज आई एम एन ऑप्शन टूवर्ड्स योर कंसिडरेशन सो वी विल टेक बुल कंसिडरेशन फर्स्ट वीयर कंसिडरेशन हम बाद में लेंगे आई एम टेकिंग द बुल कंसिडरेशन ना एज पर बुल कंसिडरेशन देर आर फ्यू स्ट्रेटेजी फर्स्ट अभी मार्केट चल रहा है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड का ठीक है एज ऑफ नाउ इफ यू थिंक भाई ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड है मेरे को मार्केट uh, में ऊपर जाने का है मार्केट ऊपर जाने का तो मैं क्या करूं मैं क्या करता हूं सबसे पहले ना कॉल बाय कर लेता हूं द द इजीएस्ट वे टू टू गेट इनटू मार्केट विद योर बुल बुल व्यू इज बाय अ कॉल अब ये, जो चीज़ है, ये, बहुत है. ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है अट्रैक्ट क्या चीज करती है अनलिमिटेड प्रॉफिट या इन दिस वीडियो ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू वाई ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग ठीक है नाउ ये जो चीज आपको ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो अट्रैक्ट करती है मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड इट इज लाइक सेलिंग यू अर ड्रीम ठीक है कि पैसा लगाओ 21 दिन में पैसा डबल इनफैक्ट 21 दिन नहीं ये तो 6 जून का है यानी कि 6 दिन में पैसा डबल दिस इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से एंड यू ऑल आर फॉलोइंग फॉर इट ठीक है इट इज नन लेस देन अ चिट फंड इट इज नन लेस देन अ लॉटरी टिकट दैट यू जस्ट बाय इट and within 6 days because 6 june expiry I maine and hardly how many sessions are there friday monday tuesday wednesday thursday only 5 days within 5 days not even 6 days 5 days paisa double this is what you guys think 10000 max loss hai, aur se jaega, and agar market chala gaaya, i may have 20000 25000 30000 this is what your consideration is so that is why people fall for it now tell me one thing how much is the probability of profit the probability of profit is less than 36%. now when you do a gambling i always tell my student that people think if you are a trader people think you are doing gambling in fact market trading in market is worse than gambling if you are an option buyer don't forget about this why i have said this is because gambling may there are only two outcomes one is you win and the other one is you lose there is 50 50% chances to both whereas

So I am not promoting gambling. What I am trying to say is that you should not go towards the option buying blindly. Saying that 11,000 And if it goes, then So it is like you are gambling. In fact, it is worse than gambling. This is what people does not understand. As of now, if you ask me, what is the premium? 470. What is the price? 22,500. You guys will not understand that if market...

सॉरी तक मार्केट अगर बंद हो जाता है सत्तर के ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा तेईस हजार के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा तब तीस पॉइंट का प्रॉफिट होगा तीस इंटू पच्चीस छह सौ रुपए का प्रॉफिट होगा ग्यारह हजार लगा के पूरा रिस्क लेके तब जाके छ सौ का प्रॉफिट होगा

ऑप्शन ये चल रहा है अभी बाईस पांच सौ हमारा स्पॉट प्राइस है एक लॉट बाय कराया एंड चार सौ सत्तर का प्राइस है यू हैव टू बाय दिस बाय गिविंग इलेवन थाउजेंड सेवन फिफ्टी सिक्स हाउ दिस इलेवन सेवन फिफ्टी सिक्स एज कम एंड दैट इज व्हाट योर मैक्सिमम लॉस वुड बी व्हाई बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड द प्रीमियम ठीक है सो हाउ मच यू हैव पेड फोर जो इसका प्रीमियम चल रहा है इन निफ्टी का लॉट साइज इज प्रेजेंटली ट्वेंटी दिस कम्स अराउंड इलेवन या फिफ्टी के आसपास जो भी ऊपर नीचे होगा

So, this is what it is. Now, your consideration is what? Bull consideration. Aapka hai bull consideration. Now, there is a strategy in option selling which is called as bull call spread. Now, this is a strategy in option selling. Bull, because I am expecting market to go up. I am bull. I want to take it up. Call because I will be using CE options. I will be using CE options to make this strategy. Spread, I am using two or more options. That is how this strategy has been devised. Bull, I wanted to go up. Call, I will be using call options. Spread, I am using two or more options for this option selling strategy. ये बुल कॉल स्प्रेड जो है आपको सेंसेबुल में अगर आप यहां पर जाएंगे ये आपका बुलिश में आपको बुल कॉल बाय कॉल ये बुल कॉल स्प्रेड है ये आपको इजीली मिल जाएगा व्हाट यू आर सपोज टू डू जस्ट क्लिक ऑन इट इट विल कम सो इनस्टेड ऑफ क्लिकिंग इट वी विल टेक इट इन दिस वे नाउ फॉर मी एटीएम इज दिस ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैं दो सौ पॉइंट ऊपर का ले लेता हूँ ठीक है मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर जाना चाहता हूँ तो बाईस सात सौ का अभी एज ऑफ नाउ इट इज अनहेज्ड ठीक है मेरा मैक्स लॉस है मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है इसमें हैजिंग नहीं है ठीक है इसमें कोई हैजिंग नहीं है मैंने सिर्फ बाय कर लिया मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल गो अप माय कंसीडरेशन इज बुलिश सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस कॉल बट देयर इज नो हैजिंग इन इट नाउ फर्स्ट कॉल व्हाट आई हैव टेकन इज बाय हाउ द हैजिंग कैन बी डन ओनली थ्रू सेलिंग ठीक है सेलिंग के थ्रू मैं इसको काउंटर पोजिशन जो लूंगा

Now, this is the strategy which I have done. How the strategy is working? I have bought at the money Sajar ki call because spot prices is 22,500 which is costing me nearly about 470. I have to give this premium. 11,740 or 700 ke aapas jo whatever it was. I have to give this premium now. After that, I have hedged my position. My profit was unlimited. My loss was max 11,000. How much was it? Let me check. 11700 okay pachas. 750, 11756 my loss was 11756 my profit was unlimited which is never you going to get it let me be give you. let me give you in writing you will never get it max profit unlimited kabi never in life so rather than going that way it's better you hedge your positions 11756 आप एक ही बार ट्रेड कर पाते इस लॉस के साथ बट इसी लॉस के साथ आप इसको चार बार ट्रेड कर सकते हैं एंड चार में से अगर एक बार भी प्रॉफिट हो गया तो आपका लॉस आधा हो जाएगा जो आपका एक बार में पूरा निकलने वाला था ठीक है नाउस यू सी दिस वी बॉट बाईस हजार की कॉल चार सौ सत्तर का प्रीमियम टू हैज दिस पोजिशन आई टेकन अ काउंटर पोजिशन मैंने बाईस सात सौ की कॉल को

ठीक है मेरे लेजर में दिखाएगा कि दिस इज द एफ एन ओ पोजिशन का दिस थिंग प्रॉफिट दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट यू हैव ऑलरेडी पॉकेटेड दिस प्रीमियम नॉट प्रॉफिट दिस प्रीमियम यू विल पॉकेट ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दिस विल डेबिट दिस विल क्रेडिट इन योर अकाउंट ठीक है ना मेरा जो मैक्स लॉस था वो ग्यारह सात सौ छप्पन था उसमें से मैंने इतना ऑलरेडी प्रीमियम अपने में ले लिया तो मेरा नेट लॉस कितना हो गया सिर्फ इतना अब ये जो है ये क्या है ट्वेंटी फोर जीरो सिक्स लेट्स ट्वेंटी फोर जीरो सिक्स थ्री सेवेंटी फोर फोर सेवेंटी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बाय किया ये मैंने सेल किया ठीक है इट इज नियरली अबाउट 96 सिक्स पॉइंट्स सिक्स पॉइंट के आसपास इनटू ट्वेंटी फाइव सॉरी 94 फोर सेवेंटी फोर फोर ठीक है 96 पॉइंट्स के आसपास so मेरा इनटू 25 इज 2406 सो दिस इज व्हाट द फाइनल लॉस इफ आई इफ आई विल बी मेकिंग इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा ठीक है दिस इज नियरली अबाउट 2406 96 पॉइंट्स इनटू 25 जो लॉट साइज है ये मेरा लॉस है इससे ज्यादा मेरा लॉस हो नहीं सकता मार्केट कहीं चला जाए मेरा कंसिडरेशन क्या है बुल कंसिडरेशन दैट अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी बंद हुआ ठीक है मैं इसको क्लोजिंग पे कर देता हूं यहां पर छह जून को क्लोज हो गया सो so मैंने यहां पर क्लोज कर दिया मेरा कंसिडरेशन है माई कंसिडरेशन इज मार्केट इज गोइंग टू क्लोज अब दिस लेवल यानी कि, कि 22,500 के ऊपर बंद होगा 22,500 के ऊपर बंद होगा तो आई विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ

what are you you are a trader you are not a gambler you have to increase those probabilities you have to increase your chances of profit what i am i am a zero loss trader i do not want to take losses i don't i am not interested in losses so i want to convert this strategy into a zero loss strategy how do i do that let's see now, first thing you have understood, call. I am uh, I am going into basics as much as possible because I know this video would be watched by many people, even those retailers who have been just blindly buying calls. And uh, so that I am getting into the nitty-kitties and trying to make it as simple as possible so that you guys will understand okay, what mistakes you have been doing. सो बाईस पांच सौ की कॉल मैंने बाय करी चार सौ सत्तर उसको हैज करा बाईस सात सौ की कॉल सेल करके थ्री सेवेंटी फोर अब इसको आप बाईस सात सौ की कॉल को अगर आप बाईस आठ सौ कर दें तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड लॉस भी बढ़ जाएगा बाईस नौ सौ कर देंगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका लॉस भी बढ़ जाएगा तेईस हजार कर देंगे तो आपका लॉस भी बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा नाउ इट इज अप टू यू वॉट डू यू वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉवर्टी ऑफ प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो स्टार्ट कीप डिक्रीजिंग ठीक है इसमें टाइम वैल्यू इंटरसिक वैल्यू दिस इज ये एडवांस चीजें हैं ये आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं ठीक है ना दिस यू हैव टू डिसाइड हाउ मच मैक्स लॉस यू कैन टेक फॉर मी यू कैन टेक द मैक्स लॉस ग्यारह हजार सात सौ छप्पन बट आई कैन नॉट टेक दैट लॉस नॉर आई कैन टेक दिस लॉस ऑल्सो सो आई विल लिमिट माई सेल्फ कि भैया मेरे को मार्केट थोड़ा दे दे बट मैं खुशी खुशी ले जाऊं मेरे को ढाई हजार का प्रॉफिट हो जाए आई एल बी मोर देन हैप्पी आई एल जस्ट टेक इट एंड गो

2400 का लॉस होगा ना आई वांट टू रिमूव दिस लॉस मुझको ये लॉस भी नहीं चाहिए मेरा मैक्स लॉस कितना है 96 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा मैक्स लॉसेस 96 पॉइंट व्हाई बिकॉज़ आई हैव पेड 11756 व्हिच इज 470 into 25 प्रीमियम वो मैंने पे कर दिया 374 जो मैंने सेल करा 259350 मेरे में क्रेडिट हो गया ये डेबिट डेबिट व्हाट व्हाट गोस आउट एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन I hope you all know this. Okay. So credit which has been coming inside and debit has gone outside. So difference is 2406, which is the max loss that I am having. Max loss. Okay. So this is what it is right now. So if I want to convert this strategy into a zero loss strategy, what am I supposed to do? As of now, it is gambling. It is 50%. I just have to concentrate on this 2406. का जो लॉस है यानी कि हाउ मच प्रीमियम 96 का प्रीमियम इफ हाउ आई सेल दिस 96 का ये जो 96 का प्रीमियम है ये भी मैं कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके सेल कर दू डोंट यू थिंक मेरा लॉस जो है वो जीरो हो जाएगा ओके लेट्स ट्राई दैट 96 का प्रीमियम नो ओके okay.

बुल एम एट मार्केट हैज़ टू गो अपने बट अनिमिटेड नाउ जो मेरी रेंज है जस्ट बाई डूइंग दिस मेरी रेंज कहा तक बढ़ गई बुल की बात करेंगे बुल की बात मेरी जो रेंज है वो बढ़ गई ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड तक विच इज बाईस हजार पांच सौ चल रहा है एंड फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट इन निफ्टी विच इज सिक्स परसेंट अप छ हाउ मेनी डेज फाइव डेज डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू हैपन निफ्टी ने बाईस हजार से तेईस हजार का जो सफर है इट हैज ट्रेवल्स दिस थाउजेंड पॉइंट इन 88 एट

ठीक है नाउ थिंग इज योर मैक्स प्रॉफिट इज फोर नाइन फोर नाइन जो पिछला जो था उससे आपका मैक्स प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ गया है योर कंसिडरेशन वॉज बुल नाउ यू है रेंज की तेईस हजार नौ सौ तक चौदह सौ पॉइंट तक आई विल नॉट मेक एनी लॉस आई विल बी इन प्रॉफिट लेकिन जो आपका पहला था कि अगर मान लो आपकी गलत हो गई आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई और बाइस पांच सौ से नीचे चला गया तब क्या होगा जस्ट बाय एडिंग दिस स्ट्रैटेजी जो ये ग्राफ आपको नीचे लॉस दिखा रहा था नाउ दिस विल नॉट शो यू लॉस नीचे चाहे मार्केट कितना भी चले जाए आपको सिर्फ पचास रुपए का लॉस होगा ये लॉस भी नहीं होगा अगर आप पोजीशन को दो रुपए नाइन्टी सिक्स का कोई भी प्रीमियम बेचते हैं तो दिस लॉस वुड नॉट बी दीक है सो आई हैव कंप्लीटेड माई दिस थिंग कि भाई तेईस हजार नौ सौ था तेईस हजार नौ सौ तक तो इट इज हाईली अनलाइकली भाई स्टिल पीपल से कि सर लॉस अनलिमिटेड है इतना अगर चला गया तो क्या होगा मार्केट में नाइन्टी नाइन परसेंट पॉइंट नाइन नाइन परसेंट इट इज नॉट गोइंग टू गो बट यस पॉइंट तो चांसेस है नाउ वॉट वी आर सपोज टू डू माई रेंज वॉज ट्वेंटी थ्री नाइन हंड्रेड मैंने क्या करा था नाइनटी फोर का प्रीमियम सेल किया था नाउ वट आई एम सपोज टू डू आई शिफ्ट दिस पोजिशन नाइनटी सिक्स प्रीमियम चाहिए मुझे और डीप जाना है और डीप जाना है मैं क्या करूं

तो दिस विल बिकम 74 रुपीस का लॉस 24500 ही है उतना ही है 300 कर देंगे तो यू विल गो इनटू अ प्रॉफिट यानी आप 236 रुपीस का प्रॉफिट लेंगे एंड योर ब्रेक इवन विल बिकम 24405 24400 यानी कि 2000 पॉइंट्स point, 2000 पॉइंट्स विद इन 5 डेज निफ्टी इनफिनिटली स्मॉल और भी कम जितना कम हो सकता है उतना कम

अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है नीचे जाता है यू आर सेफ यूर पॉकेटिंग टू थर्टी सिक्स रूपीज आपको प्रॉफिट आ रहा है ऊपर जा रहा है यूर प्रॉफिटिंग पांच हजार या साढ़े चार हजार चार हजार यू विल गेट प्रॉफिट दिस इज वॉट माई जीरो लॉस स्ट्रेटीज वॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नाइनटी थ्री परसेंट वी स्टार्टेड फ्रॉम थर्टी थ्री ध्यान दीजिए आई जस्ट मूव दिस टू सिर्फ जस्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा वी स्टार्टेड जस्ट बाय बाइंग 36% वी जस्ट हेज्ड इट वी बिकेम अ गैम्बलर 50% वी पुट इन आवर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वी हेज्ड इट फर्दर वी केम एट 93% दिस इज हाउ यू डिवाइस अ जीरो लॉस स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स ठीक है ये तो था मेरा होल कंसीडरेशन

सो so, फर्स्ट आपने क्या किया यू हैव डन बॉट कॉल आफ्टर दैट यू हैव मेड अ बुल कॉल स्प्रेड आफ्टर दैट यू हैव डन मोर हैजिंग एंड यू हैव इंक्रीज द रेंज ऑफ योर लॉस एंड यू हैव पॉकेटेड अ गुड प्रॉफिट ठीक है ये आपको प्रॉफिट मिल गया ठीक है नाउ ये था हमारा बुल कंसिडरेशन वॉट इफ योर कंसिडरेशन वुड बी वॉट बीयर कंसिडरेशन नाउ लेट सी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी खोलते हैं ठीक है दिस इज माय बियर कंसिडरेशन आई विल बी टॉकिंग हियर अबाउट माय बियर कंसिडरेशन व्हाट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन व्हाट आर यू गोइंग टू डू देर इज अ स्ट्रेटजी इन बियर कॉल्स बियर कॉल स्प्रेड नहीं लेंगे बियर पुट स्प्रेड लेंगे बियर पुट स्प्रेड बुल कॉल स्प्रेड लिया था मैंने अब मैं लूंगा बियर पुट स्प्रेड व्हाट आई एम टेकिंग बियर पुट एंड स्प्रेड ठीक है ए डी Beer, why because I am expecting my market to go bearish. Put because I will be using the put options to make this position option selling technique. Spread because I will be taking two or more options. Okay, just a second. So, my consideration is bearish, I will be using put.

मार्केट नीचे जा सकता है सो बाईस पांच सौ इज द एम जून की एक्सपायरी बाय कर लिया बिकॉज़ अगर मैं मैं बियरिश सोच रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या बाय करूंगा बत्तीस परसेंट विच इज लेस देन गैम्बलिंग फिफ्टी फाइव परसेंट से अनलिमिटेड प्रॉफिट ड्रीम्स गैम्बलिंग

मैं इतने ही लॉस में चार बार ट्रेड करूंगा मार्केट में इतना मैक्स लॉस लेके चार बार ट्रेड करूंगा मार्केट में चार में से एक बार तो प्रॉफिट आएगा तीन बार भले ही लॉस हो जाए एक बार में इतना लॉस नहीं ले सकता मेरी इतनी इतनी हिम्मत नहीं है सर मैं क्या करूंगा मुझे हेज करना है अपना पोजिशन बाईस तीन सौ की पुट सेल कर दी मैंने आई सोल्ड माई हेज पोजिशन माई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट से ठीक है my max profit 2922 2013 why 2013 how much premium we have pocketed 393 into 25 ye wala, not pocketed how much we paid 393 into 25 which is 9825 which was our max loss how much premium we are

तो मुझे लॉस होगा सो माई बियर कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड कि भाई माई बियर पुट स्प्रेड जो है वो सही है कि अगर मार्केट नीचे गया तो आई प्रॉफिट ओवर एंड अगर ऊपर गया तो सेल। तो लॉस हो जाएगा अब मुझको यार ये लॉस नहीं चाहिए मेरे को लॉस नहीं चाहिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूं हाउ टू डू दैट आई ऑलरेडी डन करूं ये था मेरा इतना था इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है

81 वन प्रीमियम पे अभी इसमें लिक्विड नहीं है अदरवाइज चालीस पचास होगा दिस अगर आप इसको पैंतीस या चालीस के आसपास का कोई प्रीमियम मिल जाता है अगर मार्केट खुलेगा लिक्विड होगा तो यू कैन सी ये पैंतीस चालीस के आसपास का प्रीमियम हो जाएगा सो दिस वुड बी जीरो लॉस बिकॉज हाउ मच यूट यू वॉन्ट एट्टी वन इफ यू गेट फोर्टी भैया so ले ले so मार्केट नीचे जाएगा तो मुझको प्रॉफिट होगा ये yes, मुझको प्रॉफिट हो रहा है कितना पांच हजार जो मेरा नॉर्मल बुल बियर पुट स्प्रेड था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल हो रहा है मेरा बियर कंसंट्रेशन फिक्स हो गया मैंने अपना ऊपर अगर गया मेरी पोजीशन खराब हुई देन आल्सो आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट सी दिस आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट कहीं तक भी चला जाए 24000 चला जाए आई विल गेट अ प्रॉफिट नीचे जाएगा प्रॉफिट होगा कहां तक नाउ वेयर इज माय रेंज 20000 900 इज माय रेंज इफ यू डू 20800 मेरी रेंज और नीचे चली जाएगी माय रेंज विल गो

कैन नेवर गोइंग टू हैपन एंड अगर 1600 पॉइंट गिर भी गया ना सर पांच दिन में डबल द क्वांटिटी कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर बाय कर सकते हैं बिकॉज़ सात परसेंट का अगर मूव आया विद इन फाइव डेज नेक्स्ट टू डेज में कम से कम तीन से चार परसेंट का पुल बैक आएगा ही आएगा नो वन कैन स्टॉप इट इट हैज टू राइज At least till 38% of fib levels or 50% of fib levels to give the next fall. It is never going to happen. PCR data will go into oversold zone 0.45. Pe chala jaega. RSI will go into a deep oversold zone within five days. Everything will go in oversold zone. There will not be any premium left in CE side. सी साइड के प्रीमियम बढ़ाने के लिए इट हैजू कम डाउन विक्स विल गो इन ओवरबॉड जोन विक्स टू बी ब्रॉड डाउन वेगा विल राइज लाइक एनी थिंग गामाइज लाइक एनी थिंग डेल्टा विल चेंज गेमा गा लाइक एनीथिंग दीज थिंग्स ऑप्शन ग्रीक्स हैज टू बी ब्रॉड डाउन इफ दिस थिंग तीन से चार परसेंट का पुल बैक नो वन कैन स्टॉप दिस if you see 7% ka fall within 5 days in nifty it means every day 2% every day 2 to 1 1 1 3, 4, 3, 7, yes this is the fall we are expecting there is no respite at all market is being continuously sold huge call writing is happening there is no premium left in calls put ka premium would have been spiked like anything so the option writers and they will sell put premium to gain more profit because option premiums jitna jada hoga IV would rise like anything. ATM ka IV will go above 40. People will jump to sell it. They will not even think twice because they know this is the amount of pullback is going to come. Okay. So understand the technicalities of this thing. So what I have done? I have done my beer consideration. I have brought my range till 20,900 which is 1600 points down which is never going to happen never going to come in 5 days we are talking only about 5 days of trading session trading session which is on 6 till 6th june so we are going to pocket this money now <clears throat> suppose you are doing now suppose this election is going on yes election is going on now uh, let's go to the thing now what we are thinking election is going on इलेक्शन में बीजेपी को मेजोरिटी मिल भी सकती है मेजोरिटी नहीं भी मिल सकती मेजोरिटी मिली तो निफ्टी में दो परसेंट का राइज तो कंफर्म है चार सौ पॉइंट तो बढ़ जाएगा तेईस हजार पे मैक्स स्ट्राइक है तो तेईस हजार तक तो जाएगा और मेजोरिटी नहीं मिली तो बाईस हजार के ऊपर मैक्स पुट वो है सपोर्ट बिल्डअप है बाईस हजार तो जाएगा यानी कि चार सौ से पांच सौ पॉइंट गिर जाएगा नाउ यू डोंट नो वट इज गोइंग टू हैपन एक जून को एग्जिट पोल है जो चीजें अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वो प्लीज ध्यान से सुनेगा एंड uh, जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है ही इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट लाइक एनीथिंग एक जून को एग्जिट पोल है, इज़ ऑन सैटरडे थर्ड जून को मार्केट खुलेगा एग्जिट पोल में जो भी रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट तीन जून को देखने को मिलेगा यू मे सी अूज गैप अप और डाउन एक या दो परसेंट का गैप अप गैप डाउन एंड देन आफ्टर दैट दैटिक्यूट सब्सिक्वेंट रैली विल बी सीन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एक्सिट पोल इज गोइंग टू डू सो आर यू अवेयर कि व्हाट एग्जिट पोल इज गोइंग टू डू आंसर इज नो कैन यू प्रेडिक्ट यस वन इज प्रेडिक्टिंग बीजेपी विल कम विदुल मेजोरिटी मोर देन फोर राइट नाउ क्वाइट पॉसिबल एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग दैट

दो सौ छत्तीस यू विल मिस द रैली यार यू विल मिस द रैली अगर नीचे गिर गया वॉट आर यू गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू डू बियर स्प्रेड पोजिशन देन ओनली यू विल गेट दिस तो आपको बियर का प्रॉफिट आ जाएगा पांच हजार चार सौ का आपका अगर ऊपर गया तो चार सौ है तो हाउ विल यू डिसाइड हाउ विल यू डिसाइड फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वॉट एव यू क्लब

ऐसे गया और ऐसे आया और मेरा नेक्स्ट ग्राफ कैसे है ये है लाइन ऐसे गया और ऐसे आया व्हाट इफ मैं इस ग्राफ को दोनों के साथ ऐसा बना दूं तो ये एरिया हो गया मेरा बुल कॉल स्प्रेड का बुल कंसिडरेशन का यह हो गया मेरा बियर कंसिडरेशन का तो मार्केट यहां से लेकर यहां तक कहीं भी जाए मेरे को प्रॉफिट होएगा मेरे को लॉस नहीं होएगा लेट्स ट्राई दैट व्हाट आई डिड बाईस पांच सौ पुट एंड बाईस तीन सौ की सेल ओके लेट्स एड ये मेरी बुल कंसिडरेशन थी मैं उसी में पोजीशंस एड कर रहा हूं ठीक है बाईस पांच सौ की पुट बाय एंड बाईस तीन सौ की कॉल सेल ठीक है मेरा देखिए ग्राफ कैसा आ गया वंडरफुल ग्राफ बट येट आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ सम वट पंद्रह रुपए का ओके आई एल चेंज दैट बिकॉज माई पोजिशन इज नॉट येट कंप्लीट इक्कीस हजार की अड़तालीस की दो लॉट मैंने बेचा है इक्कीस हजार अड़तालीस के दो लॉट नाउ वॉट माई पोजिशन दिस इज माई स्प्रेड दिस इज माई न्यूट्रल स्प्रेड स्ट्रेटेजी ठीक है प्रॉफिट फाइव सिक्स फोर वन आप सिंपल बुल कॉल करें या आप बियर कॉल करें दोनों कर लें दोनों में आपको सेम ही प्रॉफिट होगा अगर आप दोनों को कंबाइन करके करेंगे आपको तब भी सेम प्रॉफिट होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 94 परसेंट योर रेंज 20,900 हजार नौ सौ विच इज पांच हजार पंद्रह सो पॉइंट डाउन इनफिनिट सिमली स्मॉल भैया एंड दैट टू कंसिडरेशन इज ओनली टेन परसेंट नाइनटी परसेंट तो मैं पॉजिटिव साइड हूं चौबीस परसेंट चौबीस हजार चार सौ यानी कि ऑलमोस्ट दो हजार पॉइंट टू थाउजेंड पॉइंट हाउ मच डेज विदायर हो सॉरी oh, बीच में अगर हुआ तो बहुत बहुत कम चांसेस है बाईस पांच सौ या बाईस चार सौ अट्ठासी पे बंद होगा तब जाके आपको आठ सौ नौ सौ का सबसे कम प्रॉफिट होगा बाईस पांच सौ पे तो किसी हाल में नहीं हो सकता मंडे को ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाने पहुंचने वाला है ये मार्केट तो आपको बाईस पांच सौ पांच सौ या छह सौ के ऊपर गया इसके नीचे गया यू विल इजीली पॉकेट दिस मनी एक तारीख को अब एक जून को नाउ दिस स्ट्रेटजी यू हैव अंडरस्टूड आई हैव मेड दिस स्ट्रैटेजी इज अ होलसम स्ट्रैटेजी नो वन कैन फाइंड अ डिफेक्ट इन इट नो वन कैन डू एनीथिंग दिस इज माई 94% फोर परसेंट इनफैक्ट नाइंटी नाइन जीरो लॉस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी दिस इज व्हाट माइ स्ट्रेटजी वुड बी ये मेरी स्ट्रेटजी बन गई है दिस इज माई बिकम ठीक है जहां पर नीचे गया तब भी मुझे प्रॉफिट है 5641 का ऊपर गया तब भी मुझे प्रॉफिट है आई विल बी इन प्रॉफिट नो मैटर बीजेपी गेट्स मेजोरिटी और नॉट आई डोट माइंड इट दिस इज हाउ पीपल ट्रेड ठीक है सो दिस हैज बिकम अ जीरो लॉस स्ट्रैटेजी सो आपको एक लॉट पर बहुत कम दिख रहा है इफ यू गैस एव अंडरस्टूड दैट इज इतना नीचे जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इफ यू जस्ट कन्वर्ट दिस इंटू हंड्रेड सो योर प्रोफिट मार्जिन विल बिकम एक्सटेंसिवली लार्ज ठीक है सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस थिंग सिर्फ शो करने के लिए था आप लोगों को सो जस्ट विद वन लॉट यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज कहीं भी जाए कहीं भी जाए आपको लॉस नहीं हो सकता यू कैन नेवर गेट दिस लॉस बीस नौ so सोलह सौ पॉइंट डाउन बाईसो दो point up. It is never going to happen. नीचे आ गया सोलह सौ पे तीन से चार परसेंट का पुल बैक नो वन कैन स्टॉप इन दिस वर्ल्ड चाहे बीजेपी की मेजोरिटी आए या ना आए पांच दिन में सात परसेंट फॉलो हुआ नो वन कैन स्टॉप इट है चार परसेंट का पुल बैक आएगा सोलह सौ पॉइंट के बाद पांच सौ पॉइंट का पुल बैक आएगा यू सी दिस वॉट एज जस्ट हैज द लो इक्कीस हजार आठ सौ इक्कीस दस पंद्रह बारह ट्रेडिंग सेशन में गया तेईस हजार यानी कि तेरह सौ पॉइंट इट गेव थर्टीन हंड्रेड पॉइंट जब अमित शाह जी ने कहा मोदी साहब ने कहा ई e. एम जयशंकर साहब ने कहा एवरीबडी है सेट दिस थिंग फ्रॉम तेरह हजार एक सौ से लेकर इट एज अ लो ऑफ बाईस हजार चार सौ ठीक है कितना राइज आया था हार्डली फाइव परसेंट का राइज आया होगा फाइव परसेंट का राइज है 200, सौ 205% का 5 टू 6% का राइज है इन हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन ट्रेडिंग सेशन इट मीन ऑलमोस्ट टू वीक्स में 5 टू 6% का राइज आया विद इन वन वीक एक दो तीन चार कितने कितने परसेंट का पुल बैक आ गया इट इज नियरली अबाउट चार सौ छह सौ और तीन 900. नौ सो सो अगर ये गया है पुल बैक आएगा ही आएगा नो वन कैन स्टॉप इट पांच से छह परसेंट अगर पांच दिन में चला गया तो यह पुल बैक आना ही आना है ठीक है आपको चार से चार परसेंट से ज्यादा का पुल बैक ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है सो दिस हाउ माई स्ट्रेटजी हैज बिकम विच इज अ फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी एज पर सिनेरियो, ओके सो आई होप कि इस वीडियो विद आई कम टू एन एंड ऑफ माई वीडियो ये थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव learned a lot in this video and if you have really liked this video please like and uh, share this video and uh, subscribe my channel and do comment on this video whether you like this strategy or not and if you want to see and this is just one part of a strategy option selling may see both strategies there are n number of strategies which can be deployed for stocks also there are n number of strategies which can be deployed for index also every strategy has its own time and space to get deployed in market do not ever think Ki, there is only one zero loss strategy which can be deployed on everyday basis and you can achieve the target it is never going to happen and i have never said that if i say this i'm lying be i'm be, being very frank

ठीक है मिलाकर भी कर सकते हैं देर आर बेक्स देर आर मेनी स्ट्रैटजीज विच कैन बी यूज एज पोर्टफोलियो हैजिंग टेक्निक्स एज वेल दैट इफ यू हैव गॉट ओके वील मेक अ वीडियो आफ्टर वाइल फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटजीज सो जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ इट दैट if you think that you have got enough profit in your portfolio and you do not want it to lose because there would be a you are expecting a frequent movement in the market so avoid these kind of strategies there are enough strategies in option selling techniques in studies of option selling that you can even hedge your portfolio if you are having a profit uh, let's not go into the nitty-gritties of that but yes you can hedge your portfolio as well this is what option selling techniques is all about option selling techniques may सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटीज कैन बी स्टॉक्स ऑल्सो एंड इंडेक्स में एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको ये बता दी है इसके अलावा देर आर एन नंबर स्ट्रैटीज की मार्केट कहां पर होता है तब वो स्ट्रेटजीज लगाते हैं सो देर आर वेज एंड मीन टू डिप्लॉय दिस स्ट्रैटीज एंड टू कन्वर्ट दैम इन टू जीरो सो विध दिस of this video and i hope you have really liked this video and i hope you have learned from this video And if you have really learned from this video, so just see what market is going to do. Theke? Just think dekhe, market case and how things are going to change after third uh, June, fourth June, and after that, maybe well, uh, VIX is too high, VIX may come down, then market may see up move. And highly volatile session I am expecting after fourth June onwards as well okay so that's it i hope you really like this video i'll say it again that please like share comment on this video and do subscribe my channel and uh, that's it for now and thank you very much and uh, have a good day